हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ फन विद इंग्लिश, जहाँ कि हम रोज़ पाँच दस वर्ड्स पढ़ते हैं ताकि हमारी जो इंग्लिश और इम्प्रूव हो सके। हमारे दोस्त जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका कंपटीशन में जल्दी सेलेक्शन हो पाए। तो फ्रेंड्स, कुछ बच्चे जो हैं गाँव से हैं और कुछ साउथ इंडिया से हैं, जो कि थोड़ा सा इंग्लिश में वीक हैं। तो वी आर रनिंग दिस चैनल टू हेल्प देम। तो फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब या शेयर करें। इसमें चैनल में अभी सब्सक्राइबर कम है, अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड करवा सकते हैं सबकी, उसमें हम इजीली पढ़ा सकते हैं। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मोबाइल नंबर से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, नोट कर लें। इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी कोई भी क्वेरी। जैसे एग्ज़ाम में आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसकी फ़ोटो खींच के व्हाट्सअप करेंगे तो आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। बहुत सारे मेंटर्स, बहुत सारे टीचर्स भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं अभी, जो कि काफ़ी अच्छी हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे में, स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनके डाउट्स क्लियर करने में। तो कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। फन विद इंग्लिश में हम रोज़ पाँच वर्ड्स पढ़ते हैं, जो कि हमारे को कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। आपको कोई और भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ मेंशन करें। फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हमारा सबसे पहला वर्ड है प्रोग्रेसिव, जिसका मतलब होता है प्रगतिशील। आई एम अ प्रोग्रेसिव गाइड गाय, आई एम अ प्रोग्रेसिव बॉय। इट मीन्स कि मैं जो है आगे बढ़ने की तरफ सोचता हूँ। जैसे देखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक नेगेटिव होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं। जैसे कि आप किसी को बोलेंगे कि मेरा यार कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो एक दोस्त जो नेगेटिव होगा वो क्या कहेगा कि यार सब धांधलेबाजी चलती है, आप कितना भी कर लो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एक पॉजिटिव होगा तो वो क्या बोलेगा कि देर इज टू मच ऑफ कॉम्पिटिशन, डोंट माइंड, यू हैव टू प्रिपेयर योर लेवल बेस्ट और आप एक दिन जरूर सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ें, तो इसी तरह से प्रोग्रेसिव होते हैं कुछ लोग। तो प्रोग्रेसिव हमेशा आपको गाइड करेगा कि आपने जो है आगे की तरफ काम करना है और कुछ अच्छा करना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है संकट। जैसे कि आई एम इन अ डिस्ट्रेस स्टेट, मान लीजिए कि कहीं साइक्लोन आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो लोग क्या होंगे, सब संकट में फंस जाएंगे। तो इट इज़ अ डिस्ट्रेस स्टेट फॉर मी, संकट की स्थिति है। नेक्स्ट वर्ड हम पढ़ेंगे डायनेमिक, जिसका मतलब होता है गतिशील या फिर वाइब्रेटेड। अभी हमने प्रोग्रेसिव वर्ड पढ़ा था, इसी तरह से डायनेमिक होता है। डायनेमिक पर्सनैलिटी ऐसी थी जो कि आपको हमेशा मोटिवेट करेगी आगे बढ़ने के लिए। तो आई एम अ डायनेमिक स्पीकर, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर। तो वो सब चीज़ें, वाइब्रेटेड होता है या फिर गतिशील होता है, मतलब जो आगे बढ़ने की बात करेंगे हमेशा। पॉजिटिव लोग जो होते हैं सारे डायनेमिक कहलाएंगे। ओवरडी लोन्स, नॉट पेड एज पर शेड्यूल, इट इज़ द मीनिंग फॉर दैट। देखो क्या होता है कि मान लो आप कोई लोन लेते हैं तो आपकी ईएमआई बन जाती है, पहले महीने देना है, फिर दूसरे महीने, हर महीने। ईएमआई का मतलब होता है इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब एक समान रूप से आप हर महीने इतना पैसा देते जाएंगे तो आपका लोन कुछ टाइम बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने पहले महीने भी नहीं दिया, दूसरे महीने भी नहीं, तीसरे महीने भी नहीं कोई दिया, तो वो फिर कहलाते हैं ओवरड्यू लोन्स, कि नॉट पेड एज पर शेड्यूल। जो ईएमआई की शेड्यूल थी, एक दो तीन हर महीने देना था, तो वो आपने नहीं दिया, तो वो ओवरड्यू लोन्स बन जाएगी, तो नॉट पेड एज पर शेड्यूल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं एनालिसिस। इसका हिंदी मीनिंग होता है विश्लेषण। जैसे कि एनालिसिस का मतलब होता है, आपको मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मोर यू एनालाइज मोर यू गेट पैरालाइज, मतलब बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो वो फिर आपका वेस्ट हो जाएगा। जैसे मान लो आपको कोई वैकेंसी दिखी है बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है, उसमें 150 POs की वैकेंसी है। ठीक है फ्रेंड, 150 PO की वैकेंसी है, तो कुछ लोग सोचेंगे कि बहुत, सिर्फ पूरे इंडिया में 150 वैकेंसी सिर्फ,